अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सबको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वक्त हम सरदार अशरफ खान के साथ उनकी गाड़ी में मौजूद हैं और हम जा रहे हैं उसके एक दोस्त से मिलने के लिए, रहमतुल्लाह। अशरफ खान के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं रहमतुल्लाह खान बलोच, जो कि जिंदानी में रहते हैं। और आज हम गाइस आपको दिखाएंगे जिंदानी। इस वक्त हम जो है वो जो इस मकान में मौजूद हैं द्राविड़ रोड पर, हम और तकरीबन ये इस्माइल खान से जो है ना वो 15 किलोमीटर के फासले पर है। मुफ्ती महमूद टीचिंग हॉस्पिटल डेर इस्माइल खान। एक ही जाए जी गुम्मल मेडिकल कॉलेज। गुम्मल मेडिकल कॉलेज गाइस, सामने आप गुम्मल मेडिकल कॉलेज डेर इस्माइल खान देख सकते हैं। इसका मेन गेट है, आप ये देखिए। अकबर नाले आए शेरानी फ्लोर मिल्स। कमियों शिकर मिल दें अच्छा, लिखा लाएगा गाय। सामने आप शुगर मिल्स देख सकते हैं, अलमान शुगर मिल्स। यहाँ पर इसका मेन गेट है, अलमान शुगर मिल्स डेर इस्माइल खान।
हमारा जो ये ट्रेवल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। ये देखे गाइस हमारा जो कल्चर है, सरसों का खेत, ये गन्ने की खूबसूरत फसल देखें, इस रोड पे जाते हुए आपको दोनों तरफ जो है वो सरसब्ज खेत नजर आएंगे। गन्ने की खेत भी होते हैं, चावल भी यहाँ पे काश की जाती है, सरसों के खेत भी सामने आए हैं। यहाँ पे जो है गंदम बोई गई है। खुद्दी जो है हम पहुंच चुके हैं। हो करा ये नहर दिखाते हैं, ये रोड के ऊपर आप देखेंगे बकरियां भी हैं, कुछ डेढ़े जा रही हैं। यहाँ ये जिंदगी जाता है, लेफ्ट पे हम टर्न करेंगे। अब कुछ जिंदाड़ी कितने किलोमीटर हो सी जी शहर में आता के कोई आदमी है इस वक्त। गाइस हम जो है जिंदाणी पहुंच चुके हैं और मैं पहली मरतबा यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आते ही मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखें ज़मीनें आबाद हैं, इनको पानी लगा हुआ है। ये देखें गाइस यहाँ पे शमसी के ट्यूबवेल हैं जिसे ज़मीनों को सैराब किया जाता है। Like
गाइस आप जो हैं इस वक्त हम जिंदानी में मौजूद हैं और यहाँ की आप गलियाँ देखें, देहात है जिंदानी का। डेर इस्माइल खान से ये 15-16 किलोमीटर के पास की दूरी पे है। ये रास्ता आप चेक करें, यहाँ पे ईंटें जो है वो रास्ते में डाली गई हैं। ये सामने कच्चा मकान देखें, ये कच्चे मकानात आप देखें गांव के। ये सामने मुर्गा रोड के ऊपर खड़ा है। ये जो गणेश पक्की मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है। ये सामने जो आपको मोर्चा नजर आ रहा है ये रहमतुल्ला खान का है, बलोच, रहमतुल्ला बलोच का, जिस से हम मिलने के लिए आए हैं, अशरफ खान के जिगरी दोस्त हैं। रहमतुल्ला का कोर क्यों दहाबा ने हरानबा ने वो पर अशरफ खान आन दबी है। यहाँ पे देखते हैं कि लकड़ियाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टॉक है, सर्दियों के लिए रखा हुआ है। पहुंच चुके हैं गाइस, नमस्ते रहमतुल्ला। अच्छा गाइस हम जो हैं रहमतुल्ला खान की हुजरा पहुंच चुके हैं, ये देखें आप। ये गाइस ये कच्चा कमरा देखें आप, अंदर से बड़े ये इंटरेस्टिंग होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ खान। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। ये कमरा आप अंदर से देखें, ये चारपाई है, इसके ऊपर पुजाई पड़ी हुई है, एक सेट पे यहाँ पे कोई भूसा वगैरह भी रखा हुआ है। अच्छा ये कमरा देखेगा इधर, हाँ ये कच्चा कमरा है जो कि गारे और मिट्टी से बनाया गया है। अच्छा पहले आपको ये चारपाई दिखा दे, ये बड़ी सी चारपाई भी यहाँ पर पड़ी हुई है। देहात के अंदर ये खसूसियत होती है कि यहाँ पे हुजरे होते हैं और चारपाइयाँ यहाँ पे जो है कमरों के अंदर पड़ी होती है, जिसके ऊपर मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं और इनके जो दोस्त अहबाब हैं
वो यहाँ पर बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ा कमरा है माशाल्लाह। ये बड़ी चारपाई देखें आप, ये कमरा देखें, ये देखें, इसका छत भी आपको दिखाते हैं, ये देखें। سبحان الله اي ده زين مصطفى ده ठीक ठीक तो को वैसे ला से को तो ना कम है तू आवा है जोई दे रहमतुल्ला खान कहीं पे गए हुए हैं, उनके बेटे मौजूद हैं यहाँ पे, और अशरफ खान का ये प्रोग्राम है कि बस यहाँ पे कुछ देर ठहरते हैं, और कुछ देर ठहरते हैं फिर चले जाएंगे, क्योंकि रहमतुल्ला खान कहीं भी गए हुए हैं, और हम चूँकि यहाँ बग़ैर इतला के आ गए, अगर उनको पता होता तो हमारे इंतज़ार में बैठ जाते। माचा हाँ ना वडा हूँ सारे बंदे नहीं आ सकते ना ना। हाँ पैर लकड़ दे वाने हैं जी हाँ। त्रै गार्ड रेंज छाते हैं ना। अलमारियां भने भने पैन ये अलमारियां ना ये सामने जे रहे ना, तो अलमारी ते कम करें दिया ना, सामान सामान जे रखे ना। सलाम बिस्कुट खाना एक दिन नहीं ये नमाज दे गाइस, ये जगह देखिए ये नमाज के लिए बनाई गई है। रहमतुल्ला जो है वो हमें नहीं मिल सके, कहीं गए हुए थे, उसके बेटे मुस्तफ़ा से हमारी मुलाकात हुई और उसने हमारी खातर तवाज़ो की है माशाल्लाह मुस्तफ़ा से। अभी हम वापस जा रहे हैं, तो आप लोग बताएं कि आपको ये जिंदानी, सॉरी करेक्शन कर दूँ, ये जिंदानी इसका नाम है, वो गाँव कैसा लगा है। Very good. It's on. Bah, no, no, no. Thank you.